हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम कवर करेंगे डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी जिसे क्वालिटी कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं क्वालिटी के डायमेंशन में हम इन आठ पॉइंट्स को कवर करेंगे सबसे पहला है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मतलब है प्राइमरी ऑपरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑपरेटिंग को आप यहाँ पर काट भी सकते हैं अगर काटना हुआ तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राइमरी फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस ये डिफाइन करता है कि एक प्रोडक्ट कितना सही परफॉर्म करता है इसके प्राइमरी फंक्शंस को एग्जाम्पल के लिए वाइट टीथ आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टूथपेस्ट स्टोरेज इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैग साउंड क्वालिटी और बेस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्पीकर तो परफॉर्मेंस मतलब कितना सही एक प्रोडक्ट काम कर रहा है सेकेंड है फीचर्स ये डिफ़ाइन करता है एडिशनल बेनिफिट फीचर करेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रोडक्ट में होते हैं अदर देन प्राइमरी एग्जाम्पल के लिए मोबाइल में फीचर्स हो सकते हैं 24 मेगापिक्सल कैमरा 6000 थाउजेंड एम एच बैटरी फ़ाइव जी टेक्नोलॉजी थर्ड है रिलायबिलिटी ये डिफ़ाइन करता है कि कैसे एक प्रोडक्ट कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है अपने फंक्शंस और स्पेसिफिकेशन को इसका मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ओवर टाइम मतलब कई सालों के बाद भी सेम फंक्शंस और फीचर उसी तरह काम कर रहे हैं कोई भी आपको कमी नहीं दिख रही है एग्जाम्पल के लिए सेम साउंड और बेस ऑफ स्पीकर आफ्टर फाइव ईयर हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी ऑल द टाइम वर्किंग ऑफ सेल्फ स्टार्ट बटन इन दी बाइक आफ्टर सिक्स ईयर तो इसमें प्रोडक्ट को सालों साल यूज़ करने के बाद भी उसके फंक्शंस वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं उसे कहते हैं रिलायबिलिटी फोर्थ है कन्फॉर्मेंस ये डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को उसके इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को मीट करने की एग्जाम्पल के लिए ऑपरेट एंड मेंटेन अ सेफ़ फैसिलिटी फैसिलिटी के बारे में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं तो इस सारे सीरीज़ को आप अच्छे से देखें क्योंकि सारी वीडियोस आप उसमें लिंक करती हैं इम्प्लीमेंट करना सेफ्टी फीचर्स को व्हीकल में मेंटेन करना पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना रूल्स एंड रेगुलेशन को रिगार्डिंग वर्कफोर्स जो भी लेबर्स के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको मेंटेन करके रखना फिफ्थ है ड्यूरेबिलिटी ये डिफाइन करता है यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट विल लास्ट कितने समय के लिए प्रोडक्ट चलता रहेगा और अमाउंट ऑफ यूज़ बिफोर अ प्रोडक्ट इज़ नो लॉन्गर यूजेबल मतलब आपने उसको यूज़ कर लिया उसके बाद अब इसका कोई भी यूज़ नहीं रहा है आप उसको थ्रो कर देते हैं एग्जाम्पल के लिए दो डिफरेंट एंड्रॉयड मोबाइल हैं फोटीन थाउजेंड के एक मोबाइल सात साल तक चलता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब सात साल की है और सेकेंड की है आठ साल की तो सेकेंड मोबाइल ज़्यादा ड्यूरेबल है फर्स्ट के कंपेरिजन में सिक्स है सर्विसबिलिटी सर्विसबिलिटी एक प्रोसेस है जिसमें कंप्लेंट और प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जाता है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ये डिफाइन करता है कि कितना ईजी है प्रोडक्ट को रिपेयर करना टोल फ्री नंबर जो कि प्रोवाइड किया जाता है क्वेरी को सॉल्व करने के लिए डोर स्टेप सर्विस ऑफ मकैनिक अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट तो मान लीजिए अगर कोई एक इम्पोर्टेड कार है तो उसे कई बार पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं तो उसकी सर्विसबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उसे रिपेयर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी सेवेंथ है एस्थेटिक्स इसका मतलब है अपेरेंस साउंड टेस्ट स्मेल फीलिंग एक्सेट्रा हाउ इट लुक्स टू इट्स एंड कस्टमर मतलब प्रोडक्ट एट लास्ट अपने कस्टमर्स को कैसे दिखाई देगा जैसे कि अट्रैक्टिव कार डिज़ाइन लाइट वेट लैपटॉप ग्रिप ऑफ मोबाइल एट्थ है परसीव्ड क्वालिटी ये डिफाइन करता है प्रोडक्ट की मार्केट में रेपुटेशन को ये एक प्रसिप्शन है जो क्रिएट की जाती है प्रोडक्ट और ब्रांड के लिए ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जैसे कि एप्पल एमजोन माइक्रोसॉफ्ट गूगल इनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है और कस्टमर्स के माइंड में इनकी प्रसिप्शन बहुत अच्छी है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं तो ये थी क्वालिटी की डायमेंशन या फिर क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज़ वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू